मामला गोवर्धन तहसील के पेंठा गांव का है, जहां दबंगों के द्वारा बेस कीमती जमीन को हड़पने की नीयत से अपने बुजुर्गों के दाह संस्कार के लिए शमशान के रूप में उपयोग किया जा रहा था। काफी महीने मशक्कत के बाद वर्तमान प्रधान दाऊजी ने प्रशासन की सहायता से जमीन को कब्जा मुक्त कराया तथा गाँव के विकास कार्य में एक सभागार भवन का निर्माण शुरू करा दिया। मीडिया की टीम से जब बात करते हुए वर्तमान प्रधान दाऊजी गौर ने बताया कि ये जमीन कुछ दबंगों द्वारा दबाई हुई थी। काफी मशक्कत के बाद इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया कर यहाँ पर एक सभागार भवन का शुभारंभ कराया जा रहा है। यही नहीं, गांव के हर वर्ग के लोगों के लिए एक ओपन जिम तथा मिनी स्टेडियम एवं सामूहिक बारात घर का शुभारंभ आगामी योजना में करा दिया जाएगा, जिससे कि गाँव के लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। जैसा कि प्रधान जी, यहाँ पे विवादित जमीन विवाद चल रहा था इस जमीन पर, और इसको विवादित से मुक्त कराकर आपने यहाँ पंचायत घर बनवा रहे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, विवाद केवल जो दबंग लोग है वो उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ उनका कोई कब्जा है ना कोई पट्टा हुआ है, पट्टे भी उन्होंने फर्जी बना रखे थे। न तो SDM साहब ने जाँच करवाई है, तीन तीन जाँच हुई है, लेखपाल महोदय को भेज के वहाँ जांच की गई है, वहाँ कोई भी पत्रावली उनकी जमा होना नहीं पाया गया है। और खामा खां उन्होंने यहाँ बुजुर्गों के दाग संस्कार कर दिए थे दो तीन, उनकी ये छतरियाँ बनी हुई हैं। जो छतरी बनी हुई है वो जगह हमने छोड़ दी है, उससे और 10-15 फुट छोड़ के हम यहाँ पंचायत घर का निर्माण कर रहे हैं। ये जगह बिल्कुल फ्री थी, इसमें कोई उनका कब्जा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। केवल वो काम नहीं करने देते थे, बदतमीजी करते थे, औरत आ जाती थी उनकी, वो बदतमीजी करती थी। इस कारण हमने प्रशासन की मदद ली है, पूरा हमने प्रस्ताव किया था ग्राम पंचायत का, SDM जी महोदय की स्वीकृति से वो चढ़ा है। खतौनी में 547 नंबर है खसरा नंबर, और 20 एयर जमीन हमने पंचायत घर के लिए प्रस्तावित की है। अब ये निर्माण कार्य प्रशासन की मदद से शुरू हो गया। क्या यहाँ पे शमशान नहीं थे जो यहाँ पे वो दाग संस्कार करते थे? नहीं, कोई शमशान नहीं थे। खामा का रोड का किनारा है, दोनों रोडो के बीच में ये जगह बेस कीमती जमीन है, और इसलिए उनकी नजर इस जमीन पे फालतू में पड़ी हुई थी। दावने की नियत से इस कार्य को कर रहे थे वो? है जी, दावने की नियत से इस कार्य? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो माफिया टाइप के लोग हैं, दावने की नियत से कर रहे थे लोग।